हाय गाइस, आपका रसोई दिल से मैं स्वागत है। आज हम हेल्दी मसाला ओट्स बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, ये काफ़ी हेल्दी और टेस्टी होता है और जो ओट्स पसंद नहीं करते उसे भी बहुत अच्छे से खा लेंगे। इसलिए मैंने मसाला ओट्स लिया और कुछ वेजीज ली हुई हैं जिन्हें मैंने चॉप किया हुआ है। ये मैंने ली हुई ब्रोकली, ये छोटे साइज़ की ब्रोकली है जिसे मैंने कट कर लिया है। कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम ली हुई है मैंने, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। कैरेट ली हुई है मैंने, ये ऑरेंज कैरेट है, आप रेड भी ले सकते हैं। और ये मेरे फ्रोजन पीस हैं, फ्रोजन मटर हैं, आप ताजे भी ले सकते हैं यदि सीज़न है तो। और ये मेरा एक मसाला ओट्स का पैकेट है, ये छोटा वाला 15 रुपये वाला पैकेट है। यदि आप बड़ा बनाएंगे तो सब्जी जस्ट डबल कर दीजिए आप इसकी। और चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पैन लेंगे, आप कढ़ाई या कोई भी सॉफ्ट पैन भी ले सकते हैं। उसमें हम डालेंगे बटर, जैसे ही बटर थोड़ा सा मेल्ट होने लगे उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे जिसमें जो हमारा बटर है वो अच्छे से पिघल जाए। जैसे ही हमारा बटर पिघल जाएगा इसमें हम थोड़े से डाल देंगे क्यूमिन सीड, जीरे, जी हाँ। उसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं यदि आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं। मैंने एक ही हरी मिर्च डाली हुई है, काफ़ी तेज मिर्च है क्योंकि ये। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी ब्रोकली जो मैंने कट करके रख लिया था, उसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे। जैसे उसे थोड़ा सा सॉटे किया उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ग्रीन कैप्सिकम डालेंगे, थोड़ा सा नहीं पूरा ही डाल देंगे। यदि आपके पास और भी येलो एंड रेड कैप्सिकम भी अवेलेबल है तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने कैरेट डाला हुआ है और अब इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। और जो मेरी गैस की फ्लेम है वो मेरी स्लो है, मैंने गैस की फ्लेम को स्लो रखा हुआ है और सारी सब्जी को अच्छी तरह से मिला रही हूँ जिसमें मैं बटर में वो काफ़ी अच्छे से हो जाए। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिएगा क्योंकि मसाला जो ओट्स होता है उसमें भी ऑलरेडी सॉल्ट होता ही है, अदरवाइज आपका खारा हो जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल सकते हैं। देखिए जो हमारी वेजीज हैं इसको हम बिल्कुल स्लो हीट पे अच्छे से पका रहे हैं बटर के साथ, जिससे क्या बटर के साथ उनका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। ये देखिए हमारी जो वेजीज है वो थोड़ी थोड़ी गलना स्टार्ट हो गई हैं। जैसे हमारी वेजीज अच्छे से गल जाएंगी उसके बाद हम आगे की प्रोसेस इसमें करेंगे। ये देखिए अब हमने इसके बाद इसमें फ्रोजन जो हमारा पी है उसे डाल दिया। एक्चुअली मेरा फ्रोजन पी है, फ्रोजन मटर है, इसलिए मैंने एंड में डाला। यदि आप फ्रेश पी यूज़ कर रहे हैं तो उसे आप सारी वेजीज के साथ ही डाल सकते हैं जिसमें वो साथ में बराबर से गल जाए। अब इसको हम अच्छी तरह से इक्वली मिलाते जाएंगे। ये देखिए हमारी जो वेजीज है वो लगभग पक चुकी हैं। आपको वेजीज को बिल्कुल भी नहीं गलाना है। इसके बाद मैंने इसमें डाला हुआ थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, उसके बाद मैं थोड़ा सा डालूंगी ऑरिगेनो। ऑरिगेनो डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी रेड चिली फ्लेक्स। यदि आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आपके पास जो दरदरी मिर्च होती है, जो दरदरी पिसी हुई, आप उसे भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसे अच्छे से सॉटे करूंगी, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी एक बाउल भर के पानी, ये मुझे थोड़ा सा कम लगेगा, सब्जी के साथ मैंने इसे मिलाया तो इसके बाद मैंने इसमें एक बाउल भर के पानी और डाला। तो मैंने छोटा सा बाउल लिया उसके भर के डालेंगे। इसका एक और तरीका होता है, जो आपका पाउच होता है मसाला उसका, आप उसको भी दो बार भर के डाल सकते हैं। ये देखिए पानी में अच्छा खासा बॉयल आने लगा है, तो अब मैं इसमें मसाला ओट्स डाल दूंगी। जैसे ही मैंने मसाला ओट्स डाला है उसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से हिला के मिलाऊंगी जिसमें कि ये अच्छे सारे सब्जी के साथ मिल जाए। ये देखिए मेरा मल्ट मिल चुका है और मैं जो गैस की फ्लेम है उसे स्लो टू मीडियम टू स्लो कर दिया हुआ है जिसमें हमारा ओट्स अच्छे से बॉयल आके अच्छे से पक जाए। एंड में मैंने आधी चम्मच भर के लेमन जूस डाला हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यदि आपको नहीं डालना तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए हमारा मसाला ओट्स तैयार है। अब मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, खाने में काफ़ी हेल्दी होता है। यदि आप वेजीज को पसंद नहीं करते हैं तो आप इसमें डाल के ईजीली खा सकते हैं। ये देखिए हमारा मसाला ओट्स तैयार है। इसमें ऊपर से हम थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया डालेंगे जिससे कि और अच्छी खुशबू आने लगेगी इसकी। हमारा मसाला ओट्स तैयार है, खाने के लिए रेडी। आप इसे पाव के साथ भी खा सकते हैं और वैसे भी बहुत टेस्टी लगेगा बिना किसी चीज़ के, चपाती के साथ भी खा सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। रसोई दिल से देखने के लिए धन्यवाद।